हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी, सीएम सैनी समेत बीजेपी के दिग्गजों ने शिरकत की और इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी पीएम और सीएम को सुनने पहुंची और पीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के घी मक्खन का जोर पूरी दुनिया देख रही है। पीएम ने जहां एक तरफ पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और सीएम सैनी ने कहा कि बीजेपी की सीएम सैनी ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। राम राम भाई सारायण ने आज बुद्ध पूर्णिमा है। मैं समस्त देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं श्रद्धेय गुरु जयराम दास चमन ऋषि और महान सेनानी राव तुलाराम जी को नमन करता हूं। मैं रेजांगला के शहीदों और अहिरवाल की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं अगर हरियाणा में आऊं तो पुरानी यादें ताजा न हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। यहां भी वहां भी बहुत सारे परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं, पुरानी पुरानी यादें भी, क्योंकि हरियाणा तो बरसों तक एक प्रकार से मेरा घर ही बन गया था। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मुझे राजनीति की बहुत सारी शिक्षा हरियाणा और पंजाब से मिली और ये मेरा सौभाग्य रहा, इस मिट्टी ने भी मुझे गढ़ा है। वो 1995 का शायद कालखंड होगा जब मैं प्रभारी के रूप में यहां आया था, लेकिन आमतौर पर प्रभारी आते हैं दौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फरीदाबाद लोकसभा के शोले गांव पहुंचे और साथ ही राजनाथ सिंह ने शोले गांव में बीजेपी विजय संकल्प सभा का संबोधन किया और साथ ही इस मौके पर फरीदाबाद लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, विधायक नयनपाल रावत समेत बीजेपी के तमाम लोग मौजूद रहे। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कोसले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह, बाबा बालकनाथ, कैप्टन अभिमन्यु और कोसले विधायक लक्ष्मण यादव समेत बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कोसले विधानसभा से उम्मीदवार रह चुके विजय बुरथला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की और साथ ही कोसले पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि जनता वोट करने से पहले यह जरूर देख ले कि कांग्रेस ने 60 सालों में कितने कार्य किए और बीजेपी ने 10 साल में कितना विकास किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले उनके मंत्रालय के तहत हरियाणा में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हुए। और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के केवल आपके हरियाणा की तुलना की जाएगी तो हरियाणा में कम से कम मेरे मंत्रालय की ओर से मैंने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के काम किए।
से ये जो सब काम हुए हैं इसमें बहुत बड़ा श्रेय भाव रख देते हैं वही कोष में मंजूरी की जा रही है। ऐसी खासियत हमारे राम साहब जी और मेरे हमारे साथी अभिमन्यु जी और एक और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कर्णकमल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक बलशाली और सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं और इसी के साथ उन्होंने चुनावी प्रचार को लेकर जानकारी साझा की। पूर्व सीएम ने कहा कि चुनावी अभियान से पूरी तरह से संतुष्ट हूं, पानीपत के रोड शो से चुनाव प्रचार थमेगा। साथ दे जाए तो भी जैसा दो महीने पहले लगभग आचार संहिता शुरू हुई थी, मुझे याद है कि हमारे यहां जो प्रदेश का यानी दायित्व प्रयत्न हुआ 11 मार्च की बात है, 12 को हमने मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया था, 13 को नई सरकार का विश्वास को प्राप्त हुआ था और 13 को ही हमारे हरियाणा के 6 कैंडिडेट घोषित हो गए थे 13 मार्च, और आज हम बैठे हैं कितना 23 मई, यानी 2 महीने 10 दिन पहले हमारा जो घोषणा हो गई थी, 4 जो उसके बाद वो भी शायद 23-24 मार्च को हो गए थे 4 कैंडिडेट, और लगातार हमने अपना अभियान जारी रखा और आज इस समय शाम को 6 बजे अभियान हमारा पूरा हो जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है तो जितना हमने अभियान चलाया पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा रैलियां की, नामांकन कराए और हमारा मुख्यमंत्री और मेरा कुल मिलाकर 106 कार्यक्रम हुए, जिसमें 90 विधानसभाएं, साथ में कुछ नामांकन के अलग से कार्यक्रम थे, किसी किसी विधानसभा में 1-2 भी हुए, तो ऐसा उस 106 में ऐसा मोटा अनुमान है मेरा कि 58 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी के हुए और 48 कार्यक्रम मेरे स्वयं के हुए। हमने पूरा प्रदेश 14 मार्च तक कंप्लीट किया, 15 मार्च से हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं और उस दिन से हमारे केंद्रीय नेताओं के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो गए, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए 3 और नड्डा जी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 दिन के कार्यक्रम हुए, अलग अलग 6 कार्यक्रम हुए, योगी जी के 2 कार्यक्रम हुए, अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए, राजनाथ सिंह जी के 3 कार्यक्रम हुए, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मैंने बताई दिया, इन सब नेताओं के हमारे कार्यक्रम हुए और कोई लोकसभा क्षेत्र कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम या हमारा अपने प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की है, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट गांव में, यानी जहां मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए, तो मैं समझता हूं लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की है। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें इलोखेड़ी है, जिसमें मिसिंग है, जिसमें रोंडा है और असंध है, फिर हमारा मालखा है, इसराणा मतरोडा है, ऐसे हरेक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में
अधिक कार्यक्रमों में किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जुकाम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ, इसलिए अंग कैसा भी करते रहे लेकिन पूरा अभियान सायकल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मेरे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीजों को उठाया गया है। उसके हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार थमने से पहले प्रियंका गांधी ने पानीपत अनाज मंडी में न्याय संकल्प रैली को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धि राजवा के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों का दर्द नहीं समझती है, साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार आज देश में चल रही है, 10 सालों से केंद्र में बैठी है, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए, वो इस देश के किसान का महत्व समझ नहीं पाए, इस देश के किसान का आदर कर नहीं पाए, आपके प्रति श्रद्धा से वो देख नहीं पाए। आपने आंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि वो 3 ऐसे कानून लाए थे जिससे आपके की कमर टूट जाती, जिससे आपकी कमाई खत्म हो जाती, इस देश का किसान झुक जाता। इसीलिए आपने आंदोलन किया, लाखों की तादाद में आप दिल्ली तक आए, महीनों के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे रहे, इस देश के हर देशवासी ने आपको देखा, हर देशवासी के दिल में आपके लिए हमदर्दी जागी, आपके लिए कोई पानी लाया, कोई खाना लाया, कोई आपके साथ आकर बैठा। मुझे याद है दीपिंदर जी रोज रोज आपके आंदोलन में शामिल होते थे, आपके साथ आकर बैठते थे, लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री जो इस देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई तक नहीं की, आपका बिजली आपकी बिजली बंद की, आपका पानी बंद किया, आपको देशद्रोही का दर्जा दिया। ये सारी मीडिया जो आपके सामने खड़ी है, जो आज बड़े बड़े खरबपतियों की है, इन्होंने आपको देशद्रोही कहा, आपके बारे में अपशब्द कहे, आपको आतंकवादी कहा। आप में से 600 भाई शहीद हुए, मोदी जी ने अपने पलक नहीं झपकाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री व श्री राजीव गांधी जी की सुपुत्री इंदिरा जी की पोती और राहुल गांधी की बहन सोनिया गांधी जी की लड़की, कितना ही आप गिन सकते हो, पूरे परिवार के त्याग इतिहास से हमारा पूरा इतिहास लिखा हुआ है, इंदिरा जी से लेकर और राजीव जी से। देखिए, आज मेरे को इस बात की वो है, आज रिका जी यहाँ आई हैं, हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो सदैव राजीव गांधी जी से ही प्रेरणा लेके राजनीति में आगे बढ़ा, उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ा, इस वास्ते मेरे को बहुत खुशी है। देखिए, लंबी बात तो सभी ने बात बता दी, भाई एक बात सुनो, जब तक मैं बोलूं 2 मिनट नारे मत लगाओ, 2 मिनट बोलूंगा आप लोग ध्यान से सुनो। लंबी बात, ये सारी बातें पहले कह दी, प्रियंका जी हैं हमारे अध्यक्ष जी, उदयभान जी, सांसद दीपेंद्र जी और हमारे दोनों कैंडिडेट करनाल लोकसभा से बुद्धि राजा जी।
आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली का पानी रोक रही है और जिसको लेकर पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी वाले तो कोर्ट की भी नहीं मानते। और इसके साथ ही अनिल विज ने कुरुक्षेत्र से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता के बयान का भी पलटवार किया और साथ ही कहा कि सुशील गुप्ता ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अपशब्द कहे थे। इसी को लेकर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि ये एनडीए गठबंधन वाले बारी बारी सनातन पर हमला बोलते हैं और जनता इसका जवाब जरूर देगी। वोटरों पे भरोसा नहीं रहा, पापों के पीछे लग के सारा लेने के लिए तो राजकिशोरी को बुला लिया, एक को बागेश्वर को बुला लिया। और बागेश्वर की कल मैं वीडियो देख रहा था, वो करता हरियाणा के पागलो, अरे पागल तू क्या, तेरा बाप होगा उसको पागल भाई। ये जो स्थिति है ये चीजें ठीक नहीं होती। पूरे देश के अंदर आप ये धर्म और जाति के नाम पर वोट लेना चाहिए। 10 साल में हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फरीदाबाद लोकसभा के निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फरीदाबाद लोकसभा में तैयारी पूरी कर ली गई है। 48 घंटे के लिए धारा 144 लगा दी गई है। वहीं हर विधानसभा में एक पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया जिसमें महिला अधिकारी ही वोटिंग कराएंगी। और साथ ही इसके अलावा उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुछ लोगों द्वारा मतदान के बहिष्कार को लेकर विक्रम यादव ने कहा कि कुछ जगह ऐसी शिकायत मिली थी लेकिन अब शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, लोग मतदान करने के लिए सहमत हो गए और हर पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएसपी एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात किए गए। स्टार्टिंग फ्रॉम एआरओ, एसीपी या डीसीपी और पर्सनली मैंने सीपी साहब के साथ में मिलकर पूरे जिले का जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर होती है उन सभी का हमने फ्लैग मार्च करा है, जिसमें हमने जो हमारी तैयारियां हैं चाहे पोलिंग बूथ के रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो वो सारी उन सभी का मुआयना लिया है और हमारी तैयारियाँ पूर्ण है उस एस्पेक्ट में। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी बसेस जाएंगी जो पोलिंग पार्टीज को लेके जाएगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी राजनीतिक दलों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाने की कोशिश की। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के पटौदी हलके से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने मानेसर क्षेत्र में आने वाले तकरीबन 82 सोसायटी के आरडब्ल्यूए के साथ एक बैठक की और साथ ही बैठक में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुंदरलाल यादव समेत आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पदाधिकारी सोसायटी निवासी मौजूद रहे। और इस दौरान सत्यप्रकाश जरावता ने लोगों के बीच में मोदी सरकार की उपलब्धियों को रखकर बीजेपी के लिए वोट की भी अपील की। देखिए जो न्यू गुरुग्राम है जितनी यहाँ आरडब्ल्यू है 82 के लगभग आरडब्ल्यू है जो यहाँ पर है, इन सब के प्रधान और इनके पदाधिकारी अभी यहाँ मौजूद थे। मैंने इनसे एक ही आग्रह किया है कि आप वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का आप हमेशा भी देते हैं, अभी भी आप दे रहे हैं, लेकिन गर्मी ज्यादा है, हो सकता है 1-2 पॉइंट और बढ़े। तो मैंने एक इनसे आग्रह किया है कि 100% मतदान करें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लोकतंत्र का महापर्व है और पूरा देश इसकी खुशियां मना रहा है, तो उस लोकतंत्र के महापर्व में नया गुरुग्राम कैसे पीछे रहे, उसी कड़ी में आज बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें 70 से ज्यादा आरडब्ल्यू के प्रधान पदाधिकारी और सोसाइटियों के जो गणमान्य लोग हैं और उसमें भी बड़ी संख्या में जो वरिष्ठ लोग हैं जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों में अपनी सर्विस करके यहाँ आकर रह रहे हैं, अब उन्होंने बड़ी संख्या में आज एकत्रित होकर
झज्जर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए झज्जर शहर में मार्च निकाला गया। डीसी शक्ति सिंह का कहना है कि जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न बनाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार झज्जर जिले में सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी। देखिए, सफिशियंट संख्या में, जैसे एसपी साहब ने भी बताया अभी इसकी ब्रीफिंग में, सफिशियंट संख्या में पेट्रोलिंग पार्टीज नाके लगा दिए गए हैं। आज शाम से जो 48 आवर्स का समय शुरू होगा, नो पब्लिकेशन का कोई पब्लिसिटी नहीं होगी उसके बाद, तो उसको भी ढंग से इन्फोर्स किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है या चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश करता है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। कितनी टीमें बनाई गई हैं? क्योंकि क्योंकि निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र चुनावों, उसके लिए हम लोग घर संकल्पित हैं और उसके लिए कई सारी हमने अपनी टीम्स बनाई हैं। जो सबसे पहले तो बूथ ड्यूटीज आती हैं, तो बूथ ड्यूटीज जो इलेक्शन कमीशन का नॉर्म है वो लगाया गया है, और जो भी संवेदनशील प्रकार के हमारे बूथ हैं या लोकेशन है वहाँ ज्यादा फोर्स लगाई गई है। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टीज की ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो 3 से 4 मिनट में कहीं पर भी पहुंच पाए। हमारा डायल 112 नंबर है, वो भी निरंतर जारी रहेगा और कोई भी अगर उस पे कॉल आता है तो। सोनीपत के गांव भिंदरोली में उस समय सनसनी फैल गई जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई, उसकी पत्नी और उसके 3 महीने के बच्चे को तेज धार हथियार से बेरहमी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत कुंडली थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए और साथ ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया और कातिल की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीमें छापेमारी कर रही हैं। वो इसके फादर ने चौकी में जाके जो मृतक है इसके धर्मवीर ने इतला दी थी, मेरे दूसरे लड़के ने मनदीप ने, मेरे लड़के अमरदीप का, उसकी घरवाली का और उस बच्ची को तेज धार हथियार से चोटें मारी हैं और 2 आदमी मौके पर मर गए हैं और एक को हॉस्पिटल ले गया बच्ची। सर, मृतकों के क्या नाम है? अमरदीप है, एक मधु है, एक शिवम है। ये रिश्ते में क्या लग? अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बार तो ये भी बताया जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भयंकर गर्मी में, जहां लोग गर्मी के चलते अब घरों से बाहर निकलना कम हो गए हैं, वहीं इस गर्मी से बचने के लिए लोग नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का इस्तेमाल कर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। काम में बढ़ोतरी है लेकिन है महंगाई, बचत कम आ रही है महंगाई की वजह से। महंगाई ज्यादा है जी, नींबू चल रहा है 200 रुपए किलो। हाँ, लेकिन ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, गर्मी चल रही है, ग्राहक तो आएंगे ही लेकिन बचत कम आ रही है महंगाई की वजह से। हाँ, वही नींबू होता 50-60 रुपए किलो, बचत आती ज्यादा। ग्राहक गर्मी बढ़ी है, हाँ महंगाई बढ़ गई, हाँ बचत कम हो गई, बचत कम हो गई। कहाँ से आप? यूपी जिला कन्नौज के हैं, डबुआ में रहते हैं। नाम क्या है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप? ज्ञान स्वरूप जी। हाँ जी, ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाइए, बहुत गर्मी पड़ रही है। अब ये कोल्ड ड्रिंक पियो, ये क्या नाम इसका, जूस पियो। मेरा बच्चा 4 साल की लड़की है। सर देखो, गर्मी तो देखो बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बट ये है कि लोग अपना ये जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब चीज मतलब पी के गुजारा कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि मतलब बस कुछ कह नहीं सकते। लोगों को गर्मी में ज्यादा जूस पानी में पीना चाहिए। जी जी जी, फुल स्लिम भी पहननी चाहिए। जी सर, क्या है आपका, गर्मी है, बचाव करना जरूरी है। जी सर जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।